I love Panihati. अरे काकू 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 दारिया 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 गाड़ी टा बारूक पार करूँ. बाइक कहाँ पे रखूँ यार? देखा ना ब्रिज पड़ गया ये तो. वाव. से बेस्ट कोई भी पूजा पंडाल किया होगा. व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे. देखो गाड़ी के डिस्प्ले पे दिखा रहा है कि अभी बस 10 बजा है और रात को 10 बजे इतना भीड़ रोड पे रहता नहीं है, लेकिन अभी है क्योंकि अभी दुर्गा पूजा का टाइम है इसी वजह से यार. तो आज महालया था, मतलब दुर्गा पूजा का सबसे पहला दिन. दुर्गा पूजा में भी बड़ा बजट का पूजा होता है और छोटा बजट का भी दुर्गा पूजा होता है. तो बेसिकली पंडाल है जो बेसिकली बिग बजट का है, तो वो सारा पंडाल अभी ओपन हो चुका है क्योंकि आज डे वन है, आज महालया है इसी वजह से. तो उसमें से सबसे बड़ा जो है, मतलब कोलकाता में सबसे ज़्यादा भीड़ जहाँ पे होता है हर बार, वो है श्रीभूमि. तो मैं आज वहीं पे जा रहा हूँ. मैं इसी वजह से रात के टाइम पे जा रहा हूँ क्योंकि यार रास्ता खाली मिलता है और आप ऐसे टान सकते हो. यहाँ पे रास्ता इतना खाली लग रहा है गाइज, लेकिन वहाँ पे खाली नहीं होगा, वहाँ पे काफ़ी भीड़ होगा. इसके पिछले बार श्रीभूमि में किया था बुर्ज खलीफा और उस बार खतरनाक भीड़ हुआ गाइस, खतरनाक भीड़. और गाइस सामने देखो क्या लिखा है, लिखा है आई लव पानीहाटी. मतलब ये पानीहाटी मोड़ है जोधपुर में. रात के टाइम पे मैं बहुत दिनों बाद राइड पे निकला हूँ यार, इतना अच्छा लग रहा है ना. अभी 2-3 दिन तो भीड़ थोड़ा कम रहेगा, मतलब आप देख सकते हो, लेकिन यार उसके बाद भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है यार. तो मेरे हिसाब से अकलमंदी इसी में है कि मतलब कोलकाता में जितने भी साला बड़ा बड़ा दुर्गा पूजा है, वो सारा दुर्गा पूजा अभी देख लो भाई. मैं आ चुका हूँ डनलॉप मोड़ पे. आप मेरे व्लॉग में ये वाला जगह बहुत बार देखे हो, लेकिन अभी देखो यार, मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि ये वो मोड़ है ही नहीं, ये कुछ अलग जगह पे मैं आ चुका हूँ. लेकिन यार ये वही जगह है. जो लोग दिन के टाइम पे कोलकाता पे नॉर्मल घूमे हैं ना, वो लोग अगर दुर्गा पूजा के टाइम पे स्पेशली रात के टाइम अगर आएगा ना कोलकाता पे किसी भी जगह पे, वो जगह मतलब ऐसा लगेगा कि वो जगह वो है ही नहीं, पूरा अलग लगता है उस टाइम पे. बस 4 या फिर 5 दिन बाद आप इसी रास्ते पे ना, मतलब आप चल नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा भीड़ होता है इसी टाइम पे. भाई ये जो आवाज़ है ना भाई, इसका मैजिक बहुत अलग है भाई. अरे यार यहाँ पे देखो यार, पूरा लग चुका है गाड़ी आगे यार. काकू गाड़ी टा वेयर करो, काकू गाड़ी टा वेयर कर दाओ. अरे काकू 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 दाड़िया 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 दाड़ी गाड़ी टा बाड़ू पार करू, लेके जाबे नाले. यार ये लोग मतलब, अरे यार वो अंकल गाड़ी को और आगे, मतलब पीछे वाला जो गाड़ी था ना, वो अगर थोड़ा आगे चला जाता ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता, फिर लग जाता, फिर पहले लगा हुआ था. मतलब अभी देखो ये एक्शन. अरे श्रीभूमि कौन दिखे पड़वे ओ श्रीभूमि है वे. वाओ आगे ना आ रहा, सामने से राइट, यहाँ से घुस जाओ ना, इधर से घुस जाओ, यहाँ से घुसने देगा क्या दादा? बोल जी डिस्कनेक्ट हो, दिखते बार कोड तब एक टू एक दिन बेरी आओ थोड़ा सा बस हो जाएगा वो. हाँ वही बोल रहा हूँ. अरे यार R15 वाले भैया यार बहुत अच्छे थे यार, बहुत हेल्प किया.
शायद बाइक यहाँ पे रखना पड़ेगा। और मतलब अभी देखो यार ना खाली है ना, लग रहा है कि यार भीड़ नहीं होता, लेकिन यार यही पे यार पैर रखना मुश्किल है, मतलब बाकी के दिन। यही जो एखे ब्लॉग हो बाइक कहाँ पे रखूँ यार, यहाँ का नज़ारा देखो यार, नाइट में कितना खूबसूरत लगता है यार। ये जो लाइट है इसके लिए कलर चेंज करता है। दादा बोल टाला पोतता है कौन था को? बेटा वी आई पी तो टाला भी चला। हाँ 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 क्या मिलेगा पता नहीं भैया, मैं भी यहाँ पे पूछ पूछ के आया हूँ। तो भी बोलो यार, मुझे इस बार श्री भूमि का पैंडल उतना अच्छा नहीं लगा तो, लेकिन बुरा भी नहीं है, मतलब एवरेज सा किया है। घर है यार, जितनी सारी बिल्डिंग्स है यार, इनकी तरह लाइटिंग से पूरा सजे हुए है यार, मतलब इतना खूबसूरत लग रहा है ना। देखो सामने, देखो भाई को पता बोलिए टाला ब्रिज का सामने दिए वो एकदम स्ट्रेट ब्रिज है, एकदम स्ट्रेट तो स्ट्रेट जाओ। हां हां बारी को टाला ब्रिज, टाला ब्रिज साइड। थैंक यू। ओ गाइस, आप ये वाला व्यू को चेक करो यार, ये टाला ब्रिज है, ये बस नया अभी हुआ है यार, मतलब 2-3 दिन पहले ये ब्रिज ओपन हुआ है यार, एकदम नया ब्रिज है। काम चल रहा है यहाँ पे और बस यहाँ पे किसी से बस पूछना पड़ेगा कि आसपास कहाँ पे अच्छा पूजा हुआ है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता फिलहाल। हाँ पोतो है, पोतो है, उठा कोता है। हाँ बाती बुकोल जी, बाती सोजा की बाती मार। अच्छा सोजा की से सिग्नल पर पे उखान देके बाती मार। तो सीधे आना है, उसके बाद रेप टर्न लेना है, ठीक है। और देखो ये मेरा किस्मत, पूरा बेकार किस्मत है मेरा, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे आया देखो यार सिग्नल ऑटोमेटिकली रेड हो गया यार। तो सर बोल जो टाला प्रत्यय जाओ कौन दिखे पड़े एक काइंडली बोलते पारबें, एदिके कि सामने ही एखाने ब्रिज पड़े तो दुर्गा पूजा में कोलकाता में जितने भी सारे पुलिस है ना, सारे पुलिस बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट या फिर गाड़ी का पेपर नहीं है वो लोग शायद डरते हो। 4-5 साल से दुर्गा पूजा में बाइक लेके कोलकाता पे घूमता हूँ, अगर आप घूमते भी हो ना तो ये लोग चेक नहीं करते। इवन अगर आप लोग अगर रास्ते में कहीं भटक जाते हो तो अगर आप बेझिझकली एक ट्रैफिक पुलिस से पूछोगे ना तो वो लोग बेसिकली आपकी मदद कर देते हैं। और मुझे नहीं लगता इस पूजा के टाइम पे ये लोग उतना डॉक्यूमेंट वेरीफाई ये सब करते हैं, बस लाइसेंस है क्या, इंश्योरेंस है क्या, ये सब वो लोग इतना देखते ही नहीं है, क्योंकि अभी पूजा का टाइम है तो वो लोग हेल्प कर देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम के लोगों के पास ही वो होता नहीं है अभी फिर डॉक्यूमेंट। आपने बोलते रहें टाला पोतता है कौनटा पड़े। हाँ तो आ चुके हैं हम टाला प्रत्यय। ऊपर लिखा है टाला प्रत्यय, बहुत खूबसूरत लग रहा है यार। अभी काफी अंधेरा है लेकिन बहुत खूबसूरत किया यार। वाओ गाइस, यू मस्ट बी चेक दिस पैंडल यार, ये है टाला प्रत्यय। और मतलब मुझे तो पिछले वाले पैंडल से यही वाला सबसे खूबसूरत लग रहा है यार, भयंकर खूबसूरत किया यार। आई हैव नो वर्ड्स। बेहद खूबसूरत है भाई, यहाँ पे तो आप देख लिए ठीक है दुर्गा माँ,
और ये काफ़ी बड़ा है, लाइक ये बहुत बड़ा है। और ये जो आसपास जो ये सब दिख रहा है ना, ये सब मतलब एक एक लेयर से, लाइक इसके पीछे और एक लेयर है और उसके पीछे और एक लेयर है, और ये सारा लेयर जो है ये धीरे धीरे स्लोली स्लोली मूव कर रहा है यार। मुझे नहीं लगता कि 2022 में, मतलब इस साल से बेस्ट कोई भी पूजा पंडाल किया होगा। तो चलो यार, काफ़ी देख लिया, तो अभी घर लौटते हैं और फिर कल निकलेंगे रात को। जितना भी घूमा हूँ वो सारे फुटेज को मैं रील बना के इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ। इंस्टाग्राम आईडी है DURLOB_KUNDU। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे चेक कर सकते हो, मैं वहाँ पे हमेशा अपडेटेड रहता हूँ और मैं हर दिन एक ना एक रील ज़रूर अपलोड करता हूँ। तो आप जाके देख सकते हो, फॉलोअर मेरा बहुत कम है, तो आप थोड़ा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, थोड़ा वहाँ पे भी जाके सपोर्ट कर सकते हो। कैमरे पे ज़्यादा चार्ज नहीं है, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा है, सो अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यार बोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है यार, सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।